हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SGX लाइफ। आज है जन्माष्टमी, तो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। भगवान कृष्ण आप सभी के परिवार पर कृपा करें और सबको निरोगी काया प्रदान करें, बस यही कामना है। और आज हम जन्माष्टमी पे, मेरे बाबू की ये फर्स्ट जन्माष्टमी है, तो जैसे कि सभी अपने बच्चे को खाना बनाते हैं, मैं भी आज से बहुत ही क्यूट सा सुंदर सा कान्हा जी बनाने के लिए जा रही हूँ। तो अभी मैं चलती हूँ उसके पास, वो है मम्मी एंड पापा के पास, तो मैं जाती हूँ उसके पास कपड़े वगैरह लेकर, देन उसको मैं करती हूँ रेडी और फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। ये रही मेरी गुच्चू की प्यारी सी ड्रेस, मेरे क्यूट से बाबू की क्यूट सी ड्रेस। कितनी प्यारी कान्हा वाली ड्रेस है ये इसकी दादी वृंदावन से लेके आई थी इसके लिए, और ये इन्होंने 2-3 महीने से संभाल के रखी हुई है। और यहाँ पर अब हम कर रहे हैं बाबू को तैयार। यहाँ पर ये मम्मी ने उसको ड्रेस तो ऑलमोस्ट पहना दी है, बट अभी वो इधर उधर कर रहा है। जैसे कि आप लोग सभी जानते होंगे, बच्चे ऐसे ही करते हैं। ये उसकी बांसुरी एंड मोतियों की माला एंड उसके हाथ एंड पैरों के हैं। ये 2-2 सेट्स हैं, तो अभी हम देख रहे हैं कि कौन से वाले पहनाएं। तो पैरों में तो मम्मी ने कहा जिसमें अभी घुंघरू है वो वाले पहनाएंगे, बट ये यहाँ पर पहनने में भी बहुत नखरे दिखा रहा है, पैर खींच रहा है, बार बार पहन नहीं रहा है। बट हमने भी पूरी कोशिश करी है इसको पहनाने की, और ये हम हो गए हैं कामयाब, हमने पहना दिए फाइनली। और अब यहाँ पर मैं इसके हाथों के जो हैं उसका, उसमें एक रेशम की डोर से बंधे हुए हैं, मैं मम्मी से पूछती हूँ कौन से वाले, तो मम्मी ने कहा हाथों में भी घुंघरू वाले ही पहनाएंगे ताकि सेम रहें हाथ और पैरों के। यहाँ मम्मी उसको तब तक माला पहना रही है और मैं इसकी ये रेशम की डोर खोल रही हूँ जिससे बंधे हुए हैं, बट उससे खुल नहीं पा रही है, तो अभी मैं कोशिश कर ही रही हूँ। यहाँ पर तब तक मम्मी बाबू को माला पहना रही हैं, बट ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो मैं गई हूँ अब कैंची लेने के लिए। अब मैं कैंची से काटने जा रही हूँ। और ये रहा मेरा गुच्चू, जो कि अपने दूसरे जो उसके और चांदी के पैर हैं उनके साथ खेल रहा है, और ये मैं काट के ले आई हूँ। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे बाबू के हाथ में, बट मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। मम्मी कहती है माँ की नज़र जल्दी लगती है, तो ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, ऐसा मम्मी कहती है। और ये हाथों में भी नहीं पहन रहा है, एक में तो आराम से पहन लिया, एक में बिल्कुल नहीं पहन रहा, नखरे दिखा रहा है बहुत ज़्यादा। तो फाइनली मैंने पहना दिए हैं। अब है बारी मुकुट की, बट ये मुकुट बिल्कुल नहीं पहन रहा है, बिल्कुल भी नहीं पहन रहा, बहुत रो रहा है मुकुट पहनने में। और फाइनली हम कामयाब हो गए, हमने मुकुट इसे पहना दिया। यहाँ पर इसके पापा ने हमारी हेल्प की है मुकुट पहनाने में, और मेरा बाबू रेडी है, बट वो बांसुरी नहीं पकड़ रहा है। सी गाइस, मेरा छोटा सा कान्हा बिल्कुल रेडी है, और अब यहाँ पर उसको भूख लग गई, रो रहा है। यहाँ पर अब इसको जाना है बाहर, इसलिए खड़ा है दरवाजे पर, और दादी दादी आवाज लगा रहा है। अब दरवाजे पर पहुंच कर की खुशी का ठिकाना नहीं है। एंड सी गाइस, मेरा बाबू पूरी तरह से रेडी है, ये बांसुरी नहीं पकड़ रहा था इसलिए इसकी बांसुरी हमने साइड में लगा दी है। और अब हम मंदिर जाने के लिए तैयार हैं, मेरे छोटे से कान्हा की छोटी सी साइकिल जिस पर वो बैठ कर जाएगा मंदिर। अभी हम बस बाबू को एंड मम्मी को छोड़ रहे हैं यहीं पर, पास में ही मंदिर है सोसाइटी के अंदर, तो मम्मी अब बाबू को लेके जा रही है। और हम जा रहे हैं थोड़ा सा मार्केट कुछ सामान लेने के लिए। और ये रहा मेरा कान्हा, और मम्मा ने नीचे आकर इसके एक बड़ा वाला मोर पंख लगा दिया जो घर में ही रखा था, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, थोड़ा सा कान्हा जी के लिए एक दो सामान लेना है, ये तो कल ही लिया था बट एक दो कुछ रह गया है। और जो मेरी बड़ी दीदी लड्डू गोपाल रखती हैं, उनके लड्डू गोपाल के लिए भी एक बांसुरी लेने के लिए जा रही हूँ। कपड़े तो मैंने कल ही ले लिया था, बट अभी मैं जा रही हूँ उनके लिए बांसुरी लेने। मैंने बांसुरी खरीद ली है, मैंने कितनी सुंदर वाली बांसुरियाँ ली है। एंड
बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत है ये। अभी हम जा रहे हैं, पहले के जैसी रौनक तो जन्माष्टमी पर जैसी हुआ करती थी वैसी अब नहीं दिखती है। जब दो दो रहेंगे तो कैसे दिखेंगी, लोग ही कंफ्यूज रहेंगे। हाँ, आजकल हर चीज का दो 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 का ज्यादा चलन हो गया है, बट ठीक है। इस शॉप से अभी अभी हमने ली थी ये वाली, ये आंटी की शॉप है। अब हम चल रहे हैं अपने गुच्चू के पास, गुच्चू एंड मम्मा है मंदिर में, सीधे मिलते हैं आप लोगों को मंदिर। ये रहा हमारा मंदिर, हमारी सोसाइटी का मंदिर, और ये रही मम्मी, और ये रहा हमारा गुच्चू अंदर। चलो मैं यहीं पर उतरती हूँ, गणेश चलो आ जाना जल्दी। और अब मैं आ गई हूँ मंदिर में। ये वाली बांसुरी जो मैंने अभी आपको दिखाई है, ये अब मैंने चढ़ा दी है कान्हा जी के लिए। यहाँ पर मैंने ये कान्हा जी के पास रख दी है। यहाँ पर हमने जो जो हमने कान्हा जी को भोग लगाना था, हमने वो सब यहाँ पर कान्हा जी के पास अभी रख दिया है। 12 बजे पंडित जी जो है वो सबको वो एक साथ उनका भोग लगाते हैं। और यहाँ पर ये हमारा छोटू सा कान्हा देखो भागा फिर रहा है, टीका भी इतनी जल्दी जल्दी में लगवाया है इसने। और भाई मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आप लोग बताना कमेंट में कि मेरा छोटू सा कान्हा कैसा लग रहा है। मैंने बताया ना, मम्मी बोलती है कि ज़्यादा नहीं बोलती, नज़र लग जाती है। बट ये मम्मी ने इसका मोर पंख जो बड़ा वाला लगाकर बहुत अच्छा किया है। और इसकी जो ऑलरेडी मुकुट में था वो बहुत छोटा सा लगा हुआ है, वो दिख नहीं रहा। और इसके ऊपर ये वाला ये मोर पंख लगाकर मतलब ये बहुत क्यूट लग रहा है। यहाँ पर ये सबसे पहले आ गया है, सबसे पहला कान्हा है अभी मंदिर के अंदर ये। बाकी धीरे धीरे बच्चे आ रहे हैं और ये भागे जा रहा है। 2 मिनट भी वहाँ पर मेरे पास टिका नहीं है, इसलिए मैं इसको अब दोबारा वापस लेके जा रही हूँ। इसको बनाना के अलावा कुछ और नहीं सूझ रहा है, बस इसको बनाना चाहिए। यहाँ पर मैं इसको पकड़ के अब लाई हूँ वापस कि चलो हम दोनों मिलके अपने लड्डू गोपाल को जो कि झूले में बैठे हैं उनको झूला झुलाएंगे। तो अभी मैंने इसका हाथ लगवा कर मैं यहाँ पर झूला झुलवा रही हूँ। और ये बहुत नटखट है, बहुत शरारती है, टिकता नहीं है एक भी जगह। और अब मेरी शक्ल दिख रहा है कि मम्मा क्या करवा रही है, और बस यहाँ पर भी इसे बनाना ही चाहिए। अगेन इसने बनाना उठा लिया है। यहाँ पर अब धीरे धीरे बच्चे आना शुरू हो गए हैं और यहाँ पर बड़े बड़े बच्चे इसके साथ खेलना चाह रहे हैं, पर ये तो अपनी ही धुन में है, ये किसी के साथ नहीं खेल रहा है, ये अपनी धुन में लगा हुआ है। बस ये खुद अपने आप में खेले जा रहा है। यहाँ पर और भी बच्चे अब आ चुके हैं धीरे धीरे, और कई बच्चे यहाँ पर कान्हा भी बन के आए हैं। बेटा मेरा खिलौना इसके सिवा कहीं और न जाना। और
अब ये हमारे क्यूट से कान्हा जी वापस से अपनी साइकिल पर बैठ के जा रहे हैं अपने घर की ओर। ये देखो हमारे क्यूट से कान्हा जी साइकिल चला रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं। ये देखो इनके लिए गाय तो है नहीं सवारी के लिए, तो ये अपनी साइकिल पर सवारी कर रहे हैं। जब से मेरा बाबू मेरी जिंदगी में आया है, मेरा गुच्चू, तब से मतलब जिंदगी और खूबसूरत हो गई है। सच में ये एहसास भी बहुत अलग होता है, बहुत ही ज्यादा मतलब इसके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। सारे दुख दर्द सब गम सब दूर हो जाते हैं इसके साथ टाइम स्पेंड करने से, इसकी प्यारी सी एक मुस्कान से ही। और अब ये फाइनली गुच्चू आ गया है घर पर, हमने मुकुट उतार दिया क्योंकि थोड़ा सा परेशान तो ऑब्वियसली हो ही रहा होगा। एंड आई होप गाइस कि आपको मेरा क्यूट सा कान्हा बहुत प्यारा लगा हो।